शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम कल क्या रही थी? तुम मार डाला। किसको मार डाला? गौरव, उसके प्यार के लिए मार डाला। हम यहाँ क्या करें? इसका इस तरह से भागना, कुछ याद ना रहना, वो बंद दरवाजा, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है यहाँ। तुमने मेरा हाथ पकड़ा, थप्पड़ के बिना कोई बात समझ में नहीं आती तुम्हारे। हटो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इतना जल्दी भूल गई कि ये घर किसका है? बेशक ये घर तुम्हारा है, लेकिन ये कमरा, कमरे की हर चीज, कमरे पे लगा हुआ ताला और ताला लगने की वजह मेरी है। तो क्या वजह है इस कमरे को बंद करने की? तुमसे मतलब? तुम जिस चीज की मोहताज हो उससे मतलब रखो। इस घर में कौन सा कमरा खुला रहेगा, कौन सा बंद, ये इसकी ओनर डिसाइड करेगी। हटो यहाँ से। नहीं हटूंगी। खजाना तो नहीं छुपाया होगा तुमने इसमें? कोई राज छुपाया है? राज? कमरे में कोई राज क्यों होगा? इसलिए तो अंदर नहीं जाने दे रही तुम मुझे। वो एक्चुअली कमरे की हालत ठीक नहीं है। सीलिंग टूटी हुई है, एक नौकर पर गिर भी चुकी है, तो सोचा कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। जल्दी ही रिपेयर करवा दूंगी, फिर इस कमरे में जा सकती हूँ। चेहरे पे झूठ है, मतलब कमरे में पक्का कोई राज ही होगा। इसका मतलब ये जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। गायत्री को शक हो गया है, जल्दी कुछ करना होगा। इस लाल किताब में ऐसा कुछ तो लिखा होगा जिससे वो बंद दरवाजा ना खुले, क्योंकि अगर वो दरवाजा खुल गया तो मेरा वशीकरण टूट जाएगा। गौरव तो हाथ से जाएगा ही, मेरी जान भी तो जा सकती है। Thank you.
और है। घर के साथ साथ मेरे पति को भी खरीद लिया है क्या? मेरे कमरे में मेरे पति के साथ क्या कर रही थी तुम? अंधेरा था, गलती से आ गई। तुमने गलती से इसे अपना कमरा समझ लिया, पर कहीं गौरव गलती से तुम्हें अपनी गहना ना समझ ले। ये गायत्री गहना के कमरे में कैसे आ गई? कहीं ये गहना तो नहीं, मुझे इसके चेहरे के पीछे का राज पता लगाना ही होगा। गौरव के व्यवहार के लिए हमको मार डाला। पहले ही बहुत सरदर्द है, हमारी परेशानी है, प्लीज और मत पढ़ाइए। अब गायत्री को अपने वशीकरण की शक्ति दिखा दी। राज पता करना जो है, जब हालात बेकाबू होते दिखे तो इस अंगूठी को पकड़कर हमें 3 बार पुकारना। हम कहीं भी होंगे तो आ जाएंगे। दुर्गा माँ, दुर्गा माँ, दुर्गा माँ। जिसे दुनिया में नहीं रहने दिया, उसकी हम शक्ल को क्या रहने दूंगी? बस कुछ देर और।
हमारी कक्षा की बच्ची हो क्या कहना, अपना ख्याल नहीं रख सकती हो तुम? मैंने कहा था ना कि मेरे पति से दूर रहो, ये बात तुम्हें समझ नहीं आती? चलो गौरव, क्या हुआ गायत्री? ये अलमारी कैसे गिरी? सवाल तो ये है कि ये अलमारी यहां आई कैसे? ये अलमारी तो वहां कोने में थी। मैं कल से देख रही हूं यहाँ कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं घट रही है, कुछ बहुत बुरा हो रहा है यहाँ। क्या देखा तुमने? पता नहीं, लेकिन हमारी दुविधा तो देखो, हम गहना है, गौरव हमसे पूछ ही नहीं रहा, और हम खुद भी नहीं बता सकते कि हम गहना है। अगर हमने ऐसा किया तो हमारी पहचान बाहर आ जाएगी, और फिर हमें उस राज का पता ही नहीं चलेगा कि गौरव को आखिर हो क्या गया है, वो क्यों इस तरह से बर्ताव कर रहा है। हमें माफ कर देना गौरव, तुम्हारी गहना इतने पास होकर भी तुम्हें कोई सच्चाई नहीं बता सकती, हम मजबूर हैं। पर गायत्री के पास आकर हमें ऐसा क्यों लगता है कि इससे कोई पुराना रिश्ता है? पापा, आप ठीक हो गए? पापा, पापा ठीक हो गए? हाँ माँ, देखिए ना, पापा खड़े हो गए। की बातें सही थी, इस घर में आत्मा है, पहले किसी का खून किया गया है, फिर उसी की आत्मा से गौरव पर वशीकरण किया जा रहा है।
पापा 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 आपको क्या हो गया? अभी नहीं गायत्री, ताकतवर आत्मा है। माँ देखिए ना क्या हो रहा है, इनको कमरे में ले चलो। उर्वशी बेटा डॉक्टर को फोन करो। वो चमत्कार नहीं आत्मा की फटकार थी, ये आत्मा सबको नचाएगी। जो आत्मा हमारे परिवार को, हमारे पिताजी को, हमारे गौरव को इतना परेशान कर रही है, अगर उसे इस घर से हमने नहीं निकाला ना, तो आपका सारथी बनने का और हमारा अर्जुन बनने का कोई मतलब नहीं है। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो फिर सारथी की ध्यान से सुनो, करना क्या है। फिलहाल हमें ये पता है कि गौरव पर वशीकरण क्यों हुआ है और उस वशीकरण का प्रभाव कितना है। इन सब बारे में पता होगा तो गौरव को बचाया जा सकता है। आप लोग आइए मेरे। ज्यादा चिंता की बात नहीं है, बॉडी में ऐसी मूवमेंट कभी कभी रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हो जाती है, लेकिन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए जितना हो सके इन्हें आराम करवाइए और मेडिसिन टाइम पर देते रहिए। वैसे मैं बीच बीच में आता रहूंगा रूटीन चेकअप के लिए। गहना हमारी बेटी, हमारा अपना खून है। हम तुम दोनों का गौना करवा कर रहेंगे। पिताजी ये क्या हालत हो गई आपकी, कोई आपका ध्यान नहीं रख सका। लेकिन कोई बात नहीं, अब आप देखना पिताजी आपकी गहना वापस आ गई है, वो सब ठीक कर देगी। आपके चरणों की कसम पिताजी, हम सच में सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। गहना पता था तुम ही गहना हो, पकड़ी गई। यूरोनी पकड़ी गई ना ये? नहीं नहीं गहना, अब ये मत बोलना कि मैं तो गहना नहीं हूं, मैं गायत्री हूं। क्योंकि अगर तुम गायत्री होती ना तो गहना सुन के तुम पलटती नहीं। एक और बात, तुम्हें कैसे पता कि ये पापा का ब्लैंकेट कहाँ रखा होता है? क्योंकि ये बात तो सिर्फ गहना को पता थी, तो तुम्हें कैसे पता चली? और अगर गायत्री होती तो हमारे पापा नहीं नहीं अपने पापा की इतनी केयर नहीं करती। बताओ है कोई जवाब? अब क्या जवाब होगा भैया, पकड़े जो गई, साबित हो गया कि यही गहना है।
रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम ठीक तो हो? इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।